सर आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं लाहौर कलंदर को। आप सब लाहौर कलंदर को? अच्छा, लाहौर कलंदर में फेवरेट प्लेयर कौन सा है? गंजा। वो मोहब्बत से बोलते हैं ना लाहौरी गंजा, फिर इसलिए वो गंजा। आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आदमी को। अच्छा जी, आज इसका मतलब कि लाहौर कलंदर हार जाएगा? ना ना, लाहौर जीतेगा, मगर आदमी को सपोर्ट करने आया। ये किस तरह जीतेगा? वो लाहौर का बैंड वो बबल गम खा के ना छक्के लगाएगा। डंक छक्के मारे लेकिन जलमी जलमी है। डंक जिसने वाकई डंक डंक किया आते साथ ही और लाहौर को ऊपर लेके गई है बड़े जोशो खरोश के साथ, इसलिए लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे जलमी को सपोर्ट कर रहे थे लेकिन जब उसकी बैटिंग देखी है तो फिर हमें लाहौर कलंदर बहुत अच्छी लगी है। तो बाहर से प्लेयर यहाँ पे खेलने आए, उनका कैसे आप शुक्रिया अदा करेंगे? उनका हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, वो यहाँ खेलने के लिए आए और उन्हें अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पे और वो बड़े खुश है। सिक्योरिटी वाइज, क्राउड वाइज, मेहमान नवाज वाइज, सर बहुत अच्छे। बहुत अच्छी बात है जी, पाकिस्तान एक पुरअमन कंट्री है और जिस तरह पाकिस्तान में PSL के जरिए क्रिकेट की बहाली हुई है, मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। और पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरह पाकिस्तान का दिफा किया, जिस तरह सिक्योरिटी बनाई है, हम पाक अफवाज और पाकिस्तान जिंदाबाद। कहते हैं कि बहुत अच्छा मैसेज है कि वो पाकिस्तान खेलने आए हैं, पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है, उनका शुक्रिया कि वो पाकिस्तान में खेलने आए। जी उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी, उन्होंने आके हमारा जो है ना वो बढ़ाया है सिस्टम कि इधर बिल्कुल अमन है, शांति है, कोई मसला मसाइल नहीं है, इसलिए वो आए हैं बाहर से आके और वो भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे लाहौरियों को। ये बड़े मेहमान नवाज है, बड़े खाबे शाबे खा रहे हैं, वो इधर बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं और उनको बताना भी चाहते हैं कि यार देखो कोई मसला नहीं है, हम भी खड़े हुए हैं यहाँ पे, कोई दहशतगर्दी नहीं है, कोई मसला नहीं है। उसको आना चाहिए क्योंकि हमारी टीम का ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा और वैसे भी हमारे मुल्क में क्रिकेट खुल रही है, इससे ज़्यादा और ऊंचाई की बात क्या होगी, बाहर के प्लेयर आगे और इंटरनेशनल क्रिकेट होगी हमारे मुल्क में, इसलिए मैं उनको दाद देता हूँ कि वो हमारे मुल्क में आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है।